तो इस वे खबर जलालाबाद तो आ रही है। जलालाबाद के नहर के पहाड़ पिया, स्कूल के पानी वड़ गया। तो जलालाबाद के पिंड मन्ने वाले वाला दे नहर टुटी है, प्राइमरी स्कूल के पानी वड़ गया। लोगों ने बच्चों स्कूल के बाहर कढ़िया, तो पहला भी तीन बार ये नहर टुट चुकी है। फैजवा माइनर पहला तीन बार टुट चुकी है। नहर टुटने जहरीले जीवों का खतरा इतने काफ़ी बढ़ जाता है। अध्यापकों का कहना है कि जो भी नहर टुटती है तो जहरीले जीव जिहड़े ने वो इत्थे आ जाते हैं। इस करके बच्चों की सुरक्षा का एक वड्डा मुद्दा जिहड़ा है वो बन जाता है। इस करके बच्चों स्कूल के बाहर कढ़िया गया, क्योंकि स्कूल के पानी दाखिल हो गया। तो जलालाबाद के पिंड मनियाला वाला दे विच नहर टुटी है, जिस करके स्कूल दे विच पानी वड़ गया। प्राइमरी स्कूल दे विच पानी वड़न दे नाल बच्चों की सुरक्षा का खतरा बढ़ गया, जिस करके लोगों ने बच्चों स्कूल दे विचों बाहर कढ़िया। क्योंकि जो भी इत्थे फैजवा माइनर दे विच पाड़ पिया तो इस नाल जहरीले जीव ने जिहड़े वो स्कूलों दे विच दाखिल हो जाते हैं, घरों दे विच वड़ जाते हैं। इस करके बच्चों की सुरक्षा के मद्देनज़र बच्चों स्कूल दे विचों लोगों ने बाहर कढ़िया। तस्वीर तुम देख रहे हो, इस स्कूल दे विच पानी भरन दीआं तस्वीरां जिहड़ियां ने वो तुम देख रहे हो। पाड़ पैण करके इत्थे फाजवा माइनर दे विच पाड़ पैण करके काफ़ी जिहड़ा पानी है स्कूल दे विच भर गया, ते छोटे छोटे बच्चों पानी दे विचों लंघना पै रहा है। तो स्कूल दे अंदर पानी भरिया होया नज़र आ रहा है। इस करके इत्थे बच्चों काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पै रहा है। अध्यापक भी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे इस पानी दे विचों लंघन दे लई मजबूर ने। तो वधेरे जानकारी लई पत्रकार अरविंदर पाल तनेजा साडे नाल जुड़ चुके हैं। अरविंदर पाल, की कुछ जानकारी है आ रही है नहर दे विच पाड़ पैण करके स्कूली बच्चों की मुश्किलां वधियां ने अध्यापकों दीआं, आखिर कारण की रहा नहर दे विच पाड़ पैण दा? गल की जाए तो यह जलालाबाद हल्के का पिंड मन्ने वाला हैगा, जिथे फैजवा माइनर लंघती है। और दस दिए कि अज सवेरे 8-9 बजे के करीब जब स्कूल लगा होया सी, तद यह नहर जिहड़ी है टुट जाती है, इहदे च पाड़ पै जांदा। और पाड़ पैण दे नाल जिहड़ा पानी हैगा वह प्राइमरी स्कूल दे विच दाखल हो जाता है, जिस तों बाद बच्चों के मापियां नूं जिहड़ा बुलाया जाता है और जिहड़े पिंड वासी उन्होंने वालों बच्चों नूं जिहड़ा चुक के बाहर कढ़िया जाता है। दस दिए कि जिहड़े अध्यापक ने उन्होंने दस्सिया कि जब यह नहर कोई पहली बार नहीं, इस तो पहला भी तीन बार जिहड़ी है टुट चुकी है। एक बारी स्कूल दे छुट्टी दा समां सीगा, उस समय जिहड़ी यह नहर टुटी सी और बच्चों उदों भी काफ़ी परेशानी आई थी। और अज जिहड़ा हैगा इस नहर दे टुटण कारण स्कूल दे विच छुट्टी करनी पई है। उन्होंने कहा कि जिते बच्चों नूं खतरा हैगा, क्योंकि जब यह नहर टुटती है तो फिर सप बिछू इहोजे जिहड़े जहरीले जीव जंतु हैगे है वह निकल आउंदे, जिन्हां तों बच्चों नूं खतरा रहिंदा। और अज जब यह नहर टुटी है तो बड़ी मुशक्कत दे नाल बच्चों नूं जिहड़ा हैगा वह स्कूल तों बाहर कढ़िया गया। और स्कूल दे विच छुट्टी जिहड़ी है वह करनी पई है। इस दे नाल जिते बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होया, उस दे नाल ही स्कूल की जिहड़ी बिल्डिंग है उसनूं भी वड्डा नुकसान होण दा जिहड़ा खदशा हैगा। दस दईए कि हालांकि नहरी विभाग के अधिकारी जिहड़े आ उह मौके ते पहुंचे, उन्होंने तो नहर बनने की कोशिश जिहड़ी हैगी उन्होंने शुरू कर दी, लेकिन वड्डा सवाल यह है कि नहर के जिहड़े पटड़ियां हैगियां उह पटड़ियां लोगों के वल्लों गैर कानूनी ढंग दे नाल जां ते कब्जा किया होया जां उन्हां पटड़ियां नूं जिहड़ा हैगा कट लिया, और यही कारण है। बिल्कुल अरविंदर पाल, जे नजायज़ कब्जे किए हुए ने तो फिर नहरी विभाग की कुछ कर रहा, कार्रवाई नहरी विभाग क्यों नहीं करता? बिल्कुल नहरी विभाग से ही सवालिया निशान खड़ा होंदा है कि अज दे नहीं, काफ़ी लंबे समय तो लोगों ने इस नहर से जिहड़ा हैगा कब्जा किया होया, इसकी पटड़ियां जिहड़ियां हैगियां या तो उन्होंने कट के जिहड़े है वो ग्राउंड बना लिते गए है, जिथे कि दरखत वगैरह बगीची वगैरह तैयार की गई या फिर उत्थे जिहड़े हैगे मकान बना ले गए। और नहरी विभाग कुंभकरण की नींद सुता रहा, जब लोग नहरां दीआं पटड़ियां नूं कट रहे सी उदों कोई कार्रवाई नहीं की। और अज जब सारिया नहर ही जिहड़ियां बारामासी कर दित्तियां गईआं सरकार दे वल्लों कि इन्हां दे विच हुण बारामासी पानी आएगा, तो उदों जिहड़ियां इह नहरां हैगियां टुटनियां शुरू हो गईआं, क्योंकि इन्हां दीआं जिहड़ियां पटड़ियां हैगियां उह कमजोर है। इस दे उत्ते समां रहिंदे जिहड़ा की है विभाग ने ध्यान नहीं दित्ता। अज उसदी जिहड़ा खामियाजा हैगा उह जिमीदार और जलालाबाद दे विच छोटे छोटे बच्चे जिहड़े स्कूल दे विच पढ़न वाले आ उह भुगत रहे आ जी। बिल्कुल, जे नहर दे विच पानी ना आए तां समस्या, जे पानी आ जाए तां वी समस्या। मतलब कि इत्थे पहले पुख्ता प्रबंध जिहड़े हैगे ने नहरी विभाग दे वल्लों नहीं किए गए, तो हुण जो स्कूल के बच्चे छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं पानी दे विच और जो स्कूल तो बाहर जा रहे हैं, तो की कुछ प्रबंध उस तो बाद किए गए हैं? क्योंकि स्कूल जिहड़ा हैगा इत्थे कल नूं भी खुलूगा स्कूल, तो बच्चों नूं लैके की पानी हुण स्कूल जिहड़ा पानी बाहर कढ़ दिता गया जां हाले भी स्कूल दे अंदर पानी खड़ा है? देखो अमन, स्कूल दे विच पानी जिहड़ा हैगा उह बाहर निकलना जिहड़ा हैगा शुरू हो गया है। और दस दईए कि सिख्या अधिकारी भी मौके ते पहुंचे आ, उन्हां दे वल्लों अपनी देखरेख दे विच बच्चों नूं जिहड़ा हैगा स्कूल तो बाहर कढ़िया गया, क्योंकि छोटे बच्चे हैगे आ जिहदे विच जेकर कोई जहरीला जीव जंतु बच्चों कोई लड़ जाता तो एक वड्डी समस्या जिहड़ी है वह खड़ी हो सकती है। इस दे मद्देनज़र जिहड़ा हैगा सिख्या विभाग दे वल्लों फौरी तौर पर
इतने पहुंच के अपने अधिकारी जिहड़े भेजे गए जिन्हां दे वल्लों जिहड़ा कि बच्चों सुरक्षित उन्होंने घर तक पहुंचा दिता गया और नहर नूं बन्नण दी कोशिशां शुरू हैगी है। विभाग दे वल्लों जिहड़ियां कोशिशां वो जारी है, नहर नूं बन्निया जा रहा, लेकिन वड्डा सवाल यह उठता है कि जिस तरह के नाल नहर की पटड़ी जिहड़ी कमजोर हो चुकी है, जिथे लोगों ने जिसनों कट कट के अपने जिहड़ा कि निजी वरतों च लिया है, चाहे वह जिमीदार हो चाहे उत्थे वसे लोग हो, इस दे नाल वड्डा खतरा जिहड़ा है वह पैदा हो गया कि यह नहर जिहड़ी है दोबारे फिर टुट सकती है, क्योंकि एक हफ्ते दे विच तीन तो चार बार पहला ही यह नहर जिहड़ी हैगी है टुट चुकी है। सवालिया निशान खड़ा होंदा है कि आखिरकार बच्चों की सेफ्टी जिहड़ी हैगी है वह किस दे भरोसे हैगी है, जेकर दोबारे फिर कल नूं नहर टुट जाती है तो फिर इहो जिहे बच्चे जिहड़े हैगे आ उन्हां दी सुरक्षा से वड्डा खतरा जिहड़ा हैगा वह पैदा हो जाएगा। जी शुक्रिया रविंद्र पाल जानकारी देने दे लई। तो दस दे कि नहरी विभाग के उत्ते सवाल जिहड़े ने वह उठ रहे हैं, पर लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है क्योंकि इत्थे अपने ही बच्चों नूं समस्या जिहड़ी है वह आण खड़ी हुई है, क्योंकि लोगों दी अणगहलियां लोगों दी गलतियां करके तो यह समस्या आण खड़ी हुई है। पहला भी एक हफ्ते में नहर जी तीन चार बारी टुट चुकी है, तो इतने हुण नहर का पानी स्कूल के अंदर वड़िया जिस करके बच्चों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पै रहा, और जो भी पानी स्कूल के अंदर खड़ा हों तो जमीन के हेठा जोड़े सप्प ज होर जहरीले जीव होंगे ने उन्होंने तो कितना कितने बच्चों को खतरा पैदा हो जाता।